रहे मनस समाचार। इस समय जो है अतरौलिया विधानसभा में मौजूद हूँ। जन अधिकार पार्टी जो है के प्रत्याशी उमेश कुमार मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेता जी आप बताइए, जैसे इस समय जो आप जन अधिकार पार्टी से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, आप गांव गांव रोड रोड जा रहे हैं, जनता से आपको क्या संदेश मिल रहा है? जनता हमारे साथ है, जनता अच्छा व्यवहार कर रही है और जनता हमारे साथ है। जैसे कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं और अगली बार हम यहाँ से आप जनता के बीच में से हमारे समझ आप पहली बार चुनाव पार्टी में उतरे होंगे। जी जी, हम पहली बार उतरे हैं। तो इस बार आप जनता के बीच में मतलब क्या लेकर आप जनता से क्या खास बात यही हो रही है? सबसे पहले शिक्षा जो है, जैसे कि लोग देखिए हर तरफ पब्लिक स्कूल हैं, सब मतलब निजीकरण करते जा रहे हैं और हम भी स्टूडेंट ही हैं और इसी पे सबसे मेन मुद्दा यही है शिक्षा। कहें कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम लोगों का कोटा सब लोग खा जा रहे हैं, OBC SC ST जितना कोटा है सब लोग खा जा रहे हैं और हम लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे जब हम लोग कुछ मिलेगा नहीं। तो सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं कोटा लेने के लिए अपनी। तो आपका जो पार्टी का गठबंधन जो है जी जी, तो इस पार्टी के साथ सपोर्ट आपको मिल रहा है? सपोर्ट तो पूरा है सर, अध्यक्ष जी हमारे हैं MIM के और दोनों पार्टियों की लड़ाई एक ही है कि जो कोटा खा रहे हैं, दोनों पार्टी की लड़ाई एक ही है, तो हम दोनों लोग मिल के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जरा आपसे भी जानकारी चाहते हैं, आप बताएं जो पार्टी आपको चुनाव लड़ रही है मतलब किस मुद्दों को लेकर लड़ रही है और मतलब हम लोग हमारी पार्टी जो है हमारे जो असद साहब हैं सबसे पहले इनका है ये जो गरीबों पे मॉन लिंचिंग हो रही है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। और बात रही चुनाव की, और चुनाव में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी तो पहला हमारा ये तो सबसे पहले हम लोग आए हैं, गांव गांव में घूम रहे हैं और जो कि अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए जो आते हैं सब लोग कहते हैं कि हम विकास किए, लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ धोखा देते हैं सभी को कोई चीज। अभी तक आप लोगों ने कितने गांव को टच किए हैं? अभी हम लोग करीब अतरौलिया विधानसभा में करीब करीब 70-80 गांव टच किए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं बस, हमारी सरकार में कुछ हिस्सेदारी हो, जो हम लोगों की हिस्सेदारी है छोटी छोटी वही हम लोग अपना हिस्सेदारी लेने के लिए आए हैं। जिसकी जितनी जनता भारी उसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी जी नमस्कार, मेरा नाम है संजय मौर्य, अतरौलिया विधानसभा से माननीय हमारे उमेश मौर्य जी प्रत्याशी, जन अधिकार पार्टी से बाबू सिंह गोस्वा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ओवैसी साहब के प्रत्याशी। ये दो हमारी जो पार्टी है गठबंधन की सरकार है और इसको हम लोग अच्छी तरह जो हमारे जिस गांव में है सभी लोग हमारे साथ लग के अच्छी तरह है से लगे हैं और अच्छा रिजल्ट लाएंगे इस समय आप देखेंगे, क्योंकि पहली बार ही सरकार है हमारी यहाँ पे आई है लड़ने, हम लोग लड़ रहे हैं अच्छा रिजल्ट लाएंगे। आप देखिए हमारे यही माननीय उमेश मौर्य जी प्रत्याशी हैं, इनका निशान है गैस सिलेंडर। जी आप जा रहे हैं जी, क्या मुद्दाएं लेकर जा रहे हैं? अगर आप प्रत्याशी आते हैं तो आपका मुद्दा क्या होगा विकास का? जी सबसे पहले क्या है कि जो महंगाइयों को कम करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, किसानों को लाभ दिलाएंगे। अभी जब हम आ रहे हैं अभी देखिए अतरौलिया के उत्तर साइड में रास्ता इतनी समस्या, आने जाने के लिए काफी लोग की यहाँ रास्ता नहीं है, अभी अतरौलिया से भवनाथपुर जाने के लिए बहुत समस्या है, उबड़ खाबड़ रास्ता वहाँ जाने कभी रिपेयर ही नहीं हुआ, वहाँ पे रास्ता ही नहीं कभी बना, आने जाने में कभी समस्या। गांव-गांव में जिस गांव हम जा रहे हैं देख रहे हैं कि काफी नालियां सही नहीं है ना, रास्ते नहीं सही हैं, इसीलिए मुद्दा लेके हम सबका हक दिलाएंगे और सभी लोग आने जाने का रास्ता सही करेंगे, गैस सिलेंडर जो महंगा है उसको कम करेंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, बिजली भी माफ करेंगे और जो किसानों को लाभ दिलाएंगे।